पर यहीं रखा रहता है। आप देख लीजिए इनक्लोज्ड स्पेस है, बहुत छोटा सा स्पेस है, इसी में कप पर रखा रहता है और इसमें से फिर धुआं निकलने लगता है। जो खप्पर था उसमें से जैसे यज्ञ करते हैं ना अपन, वैसे अग्नि प्रज्वलित हो गया, जलना शुरू हो गया। आओ आप ही आप, दो घंटा तीन घंटा जलता था, एक बजे डेढ़ बजे तक, आओ आप ही आप शाम। शुरू में थोड़ा से एक अगरबत्ती के लौ की तरह निकला, सब लोग चिल्लाने लगे देखो 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 देखो। आरती बस शुरू होने वाली है, लेकिन मैं आपको खप्पर दिखाता हूँ। खप्पर कहाँ पर है? बिल्कुल उसी जगह पर खप्पर मौजूद है जहाँ पर हमने छोड़ा था, मतलब खप्पर वहीं पर है। अगर कुछ होगा तो हमें साफ दिखने लगेगा कि खप्पर में से धुआं निकल रहा है। चमत्कार बहुत बड़ा है, कहानी बहुत लंबी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। गोंड आदिवासियों के इलाके में महाकाली का एक धाम है। धाम में प्रतिमा के पास एक खप्पर है। दावा है कि जैसे ही सुबह की आरती खत्म होती है, इस खप्पर में अपने आप एक ज्वाला प्रकट होती है, बुझी हुई राख सुलगने लगती है, यहां से धुआं निकलने लगता है। धाम नया है लेकिन चमत्कार का दावा सैकड़ों साल पुराना है। जिसने भी परखा वो देवी का भक्त होकर गया। आज हमारी टीम भी आजमाइश करेगी लेकिन अंदाज हमारा अपना होगा। पूरा मंदिर खाली करा दिया, खप्पर की पूरी एक्सरे रिपोर्ट निकाल ली। मैं इसकी पूरी राख निकालूंगा आपके सामने। मैं राख खप्पर में डाल दूंगा। ऐसा बहुत कुछ हुआ जो इस धाम में कभी नहीं हुआ था। आरती खत्म हो गई है, आइए महाराज आप भी आइए, पुजारी जी जरा खप्पर देख ले चल के, जिसके चमत्कार की आप कहानियां सुना रहे हैं सुबह से मुझे। चलिए दिखा, आइए दिखाइए जरा खप्पर में क्या हुआ है। उसके बाद महाकाली कथा में खप्पर का जिक्र रक्त बीज दानव के साथ जुड़ा है। जिसके लहू की हर बूंद से दानव का जन्म होता था। तब महाकाली ने खप्पर का इस्तेमाल करके रक्त बीज का वध किया था। गायों के झुंड और तेज हॉर्न ने हमें खप्पर से जुड़ी पौराणिक कथा की दुनिया से बाहर निकाला और सामने था मां काली के उस मंदिर का रास्ता, जिससे जुड़े दावे ने सबको हैरत में डाल रखा है। कहते हैं उस धाम के खप्पर में अपने आप ज्वाला प्रकट होती है, ठंडी पड़ी राख सुलगने लगती है, धुआं निकलने लगता है और कुछ देर बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। हमारी टीम को हकीकत का पता लगाना था, इसके लिए जब हम नगरी सिहावा के खल्लारी गांव पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। जो थे उनसे बात नहीं हो पा रही थी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में जो गांव बसे होते हैं ना, उनका आलम कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर गिनती के 20-30 लोग रहते हैं और वो भी दिन भर बाहर चले जाते हैं शहर की तरफ ताकि अपनी आजीविका कमा सकें, और गांव में रह जाते हैं कुत्ते और मुर्गे। अब मैं जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि अव्वल तो लोग यहाँ हैं ही नहीं, और जो हैं भी
वो हिंदी नहीं जानते, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस चमत्कार के बारे में मुझको बता सकें। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कोई और हो जो ये बता सके कि आखिर इस मंदिर का चमत्कार है क्या। मसला मंदिर जाने का नहीं था, वो तो गांव के पास ही है, लेकिन पड़ताल से पहले चमत्कार की कहानी भी तो समझनी थी। हमें पता चला है गांव के एक पूर्व सरपंच के बारे में जो बखूबी हिंदी जानते हैं और जिनके घर के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूं, तो आइए उनसे मिलते हैं और समझते हैं कि आखिर खल्लारी देवी का राज है क्या। हमने गांव के पूर्व सरपंच से धाम और उससे जुड़े चमत्कार की पूरी कहानी समझी। यहां तो चौंकाने वाली एक नहीं कई बातें थी। 9 बजे यहाँ 10 बजे दिन में हाँ। अगरबत्ती जैसे भूख से घी की सुगंध, अच्छा घी की सुगंध अगरबत्ती जैसे हाँ। जलता है ना वैसे हाँ। उसके बाद बढ़ते 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 हाँ। पूरा खप्पर बढ़ जाता था उसका धुआं, और इतना धुआं हाँ। और सिर्फ घी के धुआं है खुशबू, और आपे आप 2-3 घंटा जलता था 1-1.5 बजे तक, और आपे आप शांत, कोई चीज नहीं, शांत हो जाता था। अच्छा, तो वो अपने आप जलने लगता था। हाँ, आप ही आप हाँ। उसको क्या है कैसा है उसके मतलब देवी जाने। चमत्कार रात में नहीं दिन में होता है, सुबह की आरती के बाद धुएं से घी की खुशबू आती है, कुछ घंटे बाद ज्वाला अपने आप शांत हो जाती है। फिर पूर्व सरपंच ने हमें और लोगों से मिलाया जो उस चमत्कार के गवाह थे। जो खप्पर में एक्चुअली जो पहले जो नवरात्रि में जो पूजा करते हैं ना, जो कंडा का जो छेना रहता है, राख रहता है, उसको रखे थे इन लोग, तो उसको सबको मैं उलट के साफ किया, उसके बाद फिर से रख दिया और बगल में बैठ गया। तो बैठने के बाद वही लगभग 9:45 बजे उसमें आप ही आप एक हवा निकला टाइप का लगा उस खप्पर से, हल्का सा हवा। फिर मेरा ध्यान गया उस तरफ और फिर मैंने देखा तो एक अगरबत्ती अपन जलाते हैं ना, एक हल्का सा धुआं वैसा वहाँ से निकलना चालू हुआ, और निकलने के बाद मैं देखते ही रहा और धीरे धीरे वो जो है जैसे अपन ज़्यादा धूप वगैरह जलाते हैं वैसे पूरे खप्पर में फैल गया वो धुआं जो है। उसके बाद थोड़ी देर में ही प्रज्वलित शुरू हो गया, मैंने आप ही आप जो खप्पर था उसमें से जैसे यज्ञ करते हैं ना अपन वैसा अग्नि प्रज्वलित हो गया, उसमें जलना शुरू हो गया। तो ये सब मैंने देखा वहां पे। सुबह का वक्त था, मंदिर में आरती होने वाली थी। पूर्व सरपंच के साथ हमारी टीम धाम की तरफ बढ़ी। दावा तो बड़ा था लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार किसी दावे पर शक हो रहा था। मंदिर तो उम्मीद से बड़ा निकला, आमतौर पर आदिवासी गांव में इतना बड़ा धाम देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमें तो अंदर जाने की जल्दी थी। छोटे से खप्पर में आग लगती है, वो भी राख के अंदर आग लगती है। सारी बातें सुनने में तो बहुत चमत्कारी लगती हैं, लेकिन चमत्कार है कितना ये देखना है। आइए। अंदर से मंदिर सामान्य ही था, एक गर्भगृह, उसके अंदर महाकाली की प्रतिमा, प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति, और वो खप्पर वो कहां था। तब लोग हमारी टीम को गर्भगृह से बाहर लेकर आए, इस मूर्ति के पास जहां वो चमत्कार होता है। अच्छा, तो ये लोग इसे खप्पर कहते हैं, हालांकि खप्पर ऐसा नहीं होता, ये तो मिट्टी का बर्तन था जिसमें धूप और कंडे जलाकर देवी की पूजा की जाती है। ये खप्पर यहीं रखा रहता है, आप देख लीजिए इनक्लोज्ड स्पेस है, बहुत छोटा सा स्पेस है, इसी में खप्पर रखा रहता है और इसमें से फिर धुआं निकलने लगता है। खप्पर उठा लूं मैं, महाराज उठा सकता हूँ? ये देखिए भाई, ये खप्पर है, एक कप की तरह होता है, जैसे एक बड़ा सा कप है, उसके अंदर ये राख वगैरह है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी फिर इसको हम थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इसके अंदर ये राख वगैरह है और इसमें से धुआं निकलने लगता है। अभी तो कुछ भी नहीं, मतलब मैंने हाथ डाला तो बिल्कुल ठंडा है, तो इसमें से धुआं निकलने लगता है।
इस खप्पर की राख हर नवरात्र को बदली जाती है। पहले गांव वाले धूप जलाकर महाकाली की पूजा करते हैं, फिर दावे के मुताबिक अगले नवरात्र तक ये राख रोज सुबह की पूजा के बाद अपने आप सुलग उठती है। तब हमारी टीम ने गौर से देखा, खप्पर अभी बर्फ की तरह ठंडा था। इस खप्पर में कुछ भी खास नहीं है, ये तो आम मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जलने वाली हो। इसके अंदर ये जो पड़ा हुआ है ये राख है, मतलब कोई भी इस तरह का कंबस्टिबल मटेरियल जिसे कहते हैं, वो चीज़ जिसमें आग लग सके, वो इस खप्पर में मौजूद नहीं है। और मान्यता ये है कि ऐसी ही स्थिति में इस खप्पर से धुआं निकलता है और फिर आग की लपट दिखाई देती है। होता है या नहीं, ये अब आपके सामने हो जाएगा। सुबह की आरती का वक्त हो चुका था, उससे पहले हमने खप्पर को फिर देखा, सब एकदम सामान्य। दावा यही था कि इधर आरती खत्म होगी, उधर खप्पर की ठंडी पड़ी राख सुलग उठेगी, धुआं निकलने लगेगा। तो यहां पर पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है और आरती बस शुरू होने वाली है, लेकिन मैं आपको खप्पर दिखाता हूं। खप्पर कहां पर है? बिल्कुल उसी जगह पर खप्पर मौजूद है जहां पर हमने छोड़ा था, मतलब खप्पर वहीं पर है। अगर कुछ होगा तो हमें साफ दिखने लगेगा कि खप्पर में से धुआं निकल रहा है। ये देखिए, खप्पर अपनी जगह पर ही है, खप्पर को नहीं हिलाया है, और अगर धुआं नजर आएगा तो हम दो कदम दूर हैं। बार बार आके इसको देखते रहेंगे, जैसे ही धुआं नजर आएगा हमको पता चल जाएगा कि चमत्कार हो गया। आइए अब आरती की तरफ चलते हैं। अब हमारी निगाह दोनों तरफ थी, अंदर आरती पर और बाहर खप्पर पर। मंदिर में अंदर आरती चल रही है, मैंने सोचा कि तब तक एक बार और मैं जाके वो देख लूं कि खप्पर का क्या हाल है, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो खप्पर है। आरती तो अपनी जगह पर चलती रहेगी, खप्पर क्या है? तो कैमरा वहां पर भी है और कैमरा इस वक्त यहां पर भी है, और ये रहा आपका खप्पर। ये देखिए, कुछ भी नहीं बदला है। मैं उंगली डाल के आपको दिखा देता हूँ, ना कोई धुआं है, ना किसी भी तरह की कोई चिंगारी है, ना कोई गर्माहट है। ये देखिए, मैं फिर हाथ डाल के आपको दिखा देता हूँ, कहीं कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने छोड़ा था। अभी तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया है, मतलब ये सारी कहानी सिर्फ कहानी ही लग रही है। इसमें हकीकत तो हमको अभी तक कुछ लग नहीं रहा है कि कोई हकीकत जैसी चीज़ है। आइए देखिए, आरती यहाँ पर चल रही है। आरती के बाद क्या होगा? खप्पर से वाकई कोई ज्वाला प्रकट होगी जैसा दावा किया जाता है? क्या धुआं हमें भी दिखेगा? आरती खत्म हो गई है लगता है। हो गया पंडित जी? आइए, आरती खत्म हो गई है। आइए महाराज, आप भी आइए। पुजारी जी, जरा खप्पर देख ले चल के, जिसके चमत्कार की आप कहानियां सुना रहे हैं सुबह से मुझे। हाँ चलिए, दिखा रहा हूं। आइए दिखाइए जरा खप्पर में क्या हुआ है। तुम आते रहो, चलिए आइए पुजारी जी। कहाँ है धुआं? कोई धुआं तो है ही नहीं। खप्पर तो बिल्कुल ठंडा था, कोई धुआं नहीं निकला, यानी दावा झूठा निकला। हाँ, धुआं नहीं है। कहानियां तो आप इतनी सुना रहे थे कि आग निकलती है। आप सुनिए ना, कि इसका विधिवत पूजा, परंपरागत पूजा जब होती है ना, तब वो जलती है। अच्छा, हाँ, इसमें ऐसे मतलब हम तो रात में शाम सवेरे आरती करते हैं। अच्छा, मतलब ये वो पूजा नहीं है? पूजा नहीं, आरती है वो। तो वो विधिवत पूजा कब करेंगे? कल आना, कल करेंगे, देखेंगे। कल? कल। और कल दिखाई देगा फिर चमत्कार? अब देखो, आप मर्जी माता का है, अब दिखाएगा तो अच्छी बात है। अब ये क्या था, ये परंपरागत पूजा क्या होती है, इसके बारे में तो किसी ने नहीं बताया। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पुजारी ने कहा कि चमत्कार देखना है तो इसके लिए मेहनत करनी होगी। तो चमत्कार क्या होता है खप्पर वाला? चमत्कार मतलब एक सेवा भजन,
मतलब भजन करते हैं, भजन करते, सेवा करते, सेवा करते हैं, जो करारती करते हैं या सेवा गाते हैं, ठीक है, भजन गाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, फिर माद्री अच्छा बजाते हैं, अच्छा वो जो ट्राइबल वाला होता है माद्री वगैरह वो बजाते हैं, ठीक है, उसके से यह माता जी ने खुश होकर के कुछ चमत्कार दिखाए दिए। अच्छा, खुश होकर चमत्कार दिखाती हैं वो। अच्छा, बोला मतलब पूजा पाठ करके आके माद्री ढोलक से सबसे नाच गमत से ये करके खुश होकर के प्रज्वलित दिखाई दिया। अच्छा, तब जाके वो खप्पर में से धुआं उठ गया। ओके, मतलब पहले नाच गाना पूजा वगैरह करते हैं, अजगर माता खुश हो जाती है, हो जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं ये धुआं निकलता है, चमत्कार दिखाई देने लगता। कहने का मतलब ये था कि कल पूरा गांव जमा होगा, आदिवासी पारंपरिक तरीके से महाकाली की पूजा होगी, पूरी आस्था के साथ भजन और आरती होगी, अगर देवी खुश हुई तब जाकर वो चमत्कार दिखेगा। कहीं ये सब हमें टालने का कोई बहाना तो नहीं? चलिए कोई बात नहीं, एक कोशिश और करके देखते हैं। जंगली जानवरों का रिस्क, नक्सलियों का रिस्क, जंगल के जो महकमा है उससे इजाजत, और उस सब के बावजूद आखिर नतीजा क्या है? सिफर, कुछ नहीं मिला। और अभी कहा जा रहा है कि कल फिर आइए, क्योंकि तभी आपको चमत्कार दिखेगा जब आप कल आएंगे। तो ठीक है भैया, कल फिर आएंगे, लेकिन उसके लिए अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि चीज़ें मिलेंगी जिस तरह की बातें हो रही थी, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। देखिए, चमत्कार कहना आसान है, लेकिन चमत्कार नजर आना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं कल नजर आएगा या नहीं। आज का दिन अहम है, आज महाकाली की विशेष पूजा होगी। और गांव वालों के मुताबिक खप्पर में ज्वाला प्रकट होगी। लेकिन हमें शक था, कल से ही एक सवाल दिमाग में खटक रहा था, थोड़ा हिचकते हुए हमने वो पूछ ही लिया। ये भी तो हो सकता है पंडित जी कि किसी ने उसमें कोयला डाल दिया हो या कोई जलने वाली चीज डाल दी हो जी, ऐसा भी तो मुमकिन है जी। वहाँ पे कई पत्रकार लोग आए, कई लोग नास्तिक लोग भी आए, कई लोग आए, आने के बाद उठाए, नीचे में कुछ रखा तो नहीं गया है करके, था कुछ नहीं वहाँ। उसके बाद फिर उनको राख वाख था उसमें, उसको फिर निकाले, उसमें भी कुछ नहीं है। तो कई प्रकार के लोग आए वहाँ, आस्तिक नास्तिक सब लोग, और देखे, देखने के बाद फिर कुछ देर के बाद फिर ज्यों कहते हैं वैसी हुआ, फिर आग धुआं निकलने लगा। जो पैंतरा हम सोच रहे थे उसकी तो पहले ही आजमाइश हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो कही सुनी बातें भी हो सकती हैं। पहले हमारे सामने चमत्कार तो हो। इधर गांव वालों की पूजा आदिवासी परंपरा के मुताबिक शुरू हो चुकी थी। कल्लारी देवी के चमत्कार को देखने के लिए जो पूरा योजन चाहिए, जो पूरा तरीका तौर तरीका चाहिए, वो यहाँ से शुरू होता है। अब ये देखिए, ये ट्राइबल डांस है जो जंगल में रहने वाले आदिवासी जो हैं वो करते हैं। अब कलर्स देखिए यहाँ पर, और सारी चीजें देखिए, ये एक डांस भी है। यहाँ पर हथियारबंद लोग भी हैं जिनके पास तीर कमान है, और जो बर्ड्स हैं इस इलाके की चिड़िया, जैसे वुडपेकर है, क्रो है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर मौजूद है। तो पूरा सिंक्रेटिक है, मतलब सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किस तरह से जो आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके बिलीफ्स हैं, वो सब आपको इस डांस में दिखाई दे जाएंगे। लगता है हमारे तर्कों को इन लोगों ने चुनौती मान ली। पूजा करने पूरा गांव मंदिर जा रहा था ताकि कैमरे के सामने एक बार चमत्कार हो जाए। तो काफी देर से ये तैयारी चल रही थी, अब पूरी तरह से तैयार होके सब लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। वहां पर जाकर ये पूरा स्पेशल डांस होगा जो सिर्फ माता के लिए होगा, खल्लारी देवी मां के लिए, और उसके बाद माता अगर खुश हो गई तो आपको चमत्कार दिख जाएगा। देखिए हमें तो
मंदिर में तो अलग ही मजमा लगा था, सैकड़ों लोग जमा थे और सभी आस्था के साथ पूजा में जुटे थे। लेकिन हमारी निगाहें कहीं और थी। इससे पहले कि कोई गांव वाला आए, हमारी टीम ने खप्पर को पूरी तरह से चेक कर लिया। कल जैसा ही था, बिल्कुल राख, कोई गर्माहट नहीं। उधर मंदिर में देवी की पूजा शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर जिस तरह से लोगों को श्रद्धा है, भीड़ लग गई है मंदिर में और सब ये कह रहे हैं दावे के साथ कि चमत्कार ऐसे होगा। अब यहाँ पर भजन शुरू हो गया है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट भजन में कम है क्योंकि भजन तो मैं माइक पर सुन ही रहा हूँ, आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मेरा इंटरेस्ट है इसमें, ये जो यहाँ पर खप्पर मौजूद है इसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि खप्पर में से धुआं निकलना है, कब निकलेगा पता नहीं अभी। लेकिन जैसा दावा किया जा रहा है कि अब क्योंकि माँ को खुश करने की सारी तैयारियाँ हो गई हैं, भाई ट्रेडिशनल डांस भी हो गया जो कौंड आदिवासी करते हैं, उसके बाद पूरा म्यूजिक भी आ गया, पूरा यहाँ पर चल रहा है, इतने सारे लोग भी बैठे हुए हैं, सब सेवा चालू है, बस अब चमत्कार का इंतज़ार है। कब चमत्कार होगा मैं भी वही इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बैठते हैं, म्यूजिक के मज़े लेते हैं और देखते हैं कि चमत्कार होता है या नहीं। तभी मंदिर में कुछ और खेल शुरू हो गया। आदिवासी मान्यता के मुताबिक धाम में देवी का आगमन हो चुका है। पहले इन लोगों ने गर्भगृह में पूजा की। अचानक सभी बाहर खप्पर की तरफ जाने लगे। हमारी टीम भी पीछे पीछे वहां पहुंची। क्या सवाल पूछ रहे हैं इनसे? ये चमत्कार दिखा। अच्छा, देखिए ये देवी माँ क्योंकि इनके शरीर पर आई है तो इसलिए इनसे ये कहा जा रहा है कि चमत्कार दिखाओ, क्योंकि हमें दिखाना है। हम तो कल से इस बात को ले सही कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि चमत्कार होगा या नहीं होगा। माता से कहा जा रहा है, एक तरह से डायरेक्ट बातचीत हो रही है इस वक्त माँ से। हमारी टीम का ध्यान पुजारी पर था क्योंकि उसके हाथ में जलता हुआ खप्पर था, इसलिए उसकी एक एक हरकत पर निगाह। लेकिन इन लोगों ने देवी के पास रखे खप्पर को हाथ भी नहीं लगाया और यहां से सभी वापस चले गए। सच बताएं तो मंदिर की भीड़ ने हमारी टीम को उलझा रखा था। समझ में नहीं आ रहा था कहां देखें, किस पर निगाह रखें, शोर ने अलग ही परेशान कर रखा था। इसी बीच पुजारी ने कुछ कहा। जी बाबा, क्या हुआ, क्या हुआ है? क्या तो बोले दो हमसे आके, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, आए थे कुछ कहने के लिए, फिर वापस देखने के लिए चले गए। समझ में नहीं आया कि क्या चाह रहे हैं क्या नहीं। क्या हुआ, क्या छप्पर दिख रहा है? छप्पर में दिखने लगा थोड़ा। अरे दिखाइए। हम तेजी से बाहर की तरफ भागे और जब खप्पर को देखा तो बहुत बड़ा झटका लगा। वहां से धुआं निकल रहा था। चमत्कार को देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। जब सुबह मैंने देखा था तो भी राख ही मौजूद थी यहाँ पर, कुछ और तो मौजूद नहीं था। लेकिन अभी जैसा दिखाई दे रहा है कि धुआं तो उसमें से निकलता हुआ लगातार दिख रहा है। देखिए सब लोग चमत्कार देखने के लिए जमा हो गए, चारों तरफ चमत्कार, क्योंकि इन्होंने सबने सुना कि खप्पर में से धुआं निकल रहा है। तो सब देखो भाई, खप्पर में से धुआं निकल रहा है, तो सब लोग जो है धुआं देखने के लिए जमा हो गए।
लेकिन ये हुआ कैसे? आज मंदिर पहुंचते ही हमने खप्पर चेक किया था। जब पुजारी आए थे तब भी हमारी निगाह थी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, किसी ने खप्पर में आग नहीं डाली। फिर ये धुआं कहां से आ रहा? आपने कब देखा ये? मैं तो वहां बैठा हुआ था। वो तो अभी देखा हूं ना मैं अभी। हां, उधर पूजा पाठ हो रहा था, माता जी का जश्न गीत चालू हो गया ना। हाँ। तो इधर धुआं निकालना भी चालू हो गया। अच्छा, जब वो जश्न गीत चालू हुआ उसके बाद से ये भी शुरू हो गया। पुजारी जी, ये ऐसे ही निकलता है? कैमरे के सामने खप्पर से लगातार धुआं निकल रहा था। गांव वालों की इसमें गहरी श्रद्धा है, हम भी दिल से इनकी श्रद्धा में शामिल हैं। लेकिन 21वीं सदी का दिमाग कुछ और ही कह रहा है। देखिए, एक चीज और बताऊं मैं आपको कि धुआं तो निकल रहा है और अब तो इनफैक्ट और बढ़ता जा रहा है। हमारे बैठे बैठे धुआं और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस धुएं में 5G टेक्नोलॉजी नहीं है, वरना मैं आपको दिखा सकता। ये इस धुएं में एक बहुत अच्छी स्मेल भी है। अब मैं गेज नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि किस चीज़ की स्मेल है, लेकिन कोई बहुत अच्छी मीठी सी स्मेल भी है इस धुएं के अंदर। मंदिर की ये भीड़ के सामने चमत्कार की ये तस्वीर, ये सब देखते हुए हमारी टीम ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। हो सकता है गांव वाले नाराज भी हो जाए, लेकिन पड़ताल को अंजाम देने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। पर तो खप्पर की पूजा पाठ शुरू हो गई है। देखिए किस तरह से पूजा पाठ शुरू कर दी है। लेकिन मैं आप लोगों से, चलो बाहर निकलो यार, हो गया, बहुत शॉर्ट बन गया। लेकिन मैं आप लोगों से जो एक बात है, मेरा मतलब मूड इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है क्योंकि मैं वहाँ गाने बजाने में बैठ गया था, मुझे फिर समझ में नहीं आया और यहाँ पर फिर उन्होंने मुझे आकर बताया कि खप्पर में से आग निकल रही है। अब इस पूरे वक्त में बहुत सारे लोग, आप देखिए पूरा मंदिर भरा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं कितने लोग हैं, कुछ नहीं तो इस वक्त यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग हैं। सबका आना जाना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब किसी ने उस खप्पर में क्या डाल दिया, क्या रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन अब खप्पर में से धुआं निकल रहा है ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आई एम नॉट फुली सैटिस्फाइड, देखते हैं कि अभी क्या करें। अब तो एक ही रास्ता था, इसके लिए पूरा मंदिर खाली कराना पड़ेगा। हो सकता है गांव वाले नाराज हो जाएं, लेकिन अपनी पड़ताल को किसी भी कीमत पर अंजाम तक ले जाना था। अब तो आपने पूजा करवा ली, सब विधिवत तरीके से हो गया ना। अब इन सबको यहाँ से भेज दीजिए, खत्म कर दीजिए। फिर उसके बाद एक बार और पूजा करके देखेंगे कि खप्पर में से तब धुआं निकलेगा या नहीं निकलेगा। इतने सारे लोग आ जा रहे हैं ना, मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ है वहां पर। आपने आगे बता दिया कि खप्पर में से धुआं निकल रहा है, एक बार आप सब लोगों को भेज दीजिए यहाँ से। ये गाना वाना बंद करवाइए, भजन बंद करवा दीजिए। हाँ। है ना? हाँ। और उसके बाद फिर देखते हैं पूजा करके। हाँ। कि क्या होता है। एक बार मेरे कहने से कर लीजिए, प्लीज प्लीज, मतलब हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपके साथ, एक बार कर लीजिए। हो गया, बस बस, बहुत हो गया। शुक्र है पुजारी मान गए। पता नहीं गांव वाले मानेंगे या नहीं, पुजारी ने सबको वहां से जाने के लिए कहा। सभी लोग चौंक पड़े। तब पूर्व सरपंच ने मोर्चा संभाला। माता जी, चमत्कार भी खप्पर में हुआ दिखा दिया। हाँ, खप्पर में चमत्कार आप लोग देखो, देखो आप लोग भी सब जाके देख लो। भीड़ खप्पर की तरफ उमड़ी, चमत्कार देखकर चौंक पड़े, कुछ तस्वीरें लेने लगे, फिर संतुष्ट होकर गांव लौट गए। तो फाइनली गांव वाले जो हैं, जिस तरह से आए थे मंदिर उसी तरह से नाचते बजाते यहां से चले गए हैं। अब
चमत्कार तो हुआ, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, ऐसा तो नहीं है कि उसको झुटला सकूं। खप्पर में से धुआं निकल रहा था, लेकिन वो धुआं अपने आप निकला या किसी ने उसमें कुछ डाल दिया जिससे धुआं निकलना शुरू हुआ, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी उधर आ गया था गाना सुनने के लिए। जब भजन वगैरह चल रहे थे तो मैं भी उधर ही आ गया था, माता आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और बहुत सारे लोगों की आवाजाही थी, तो ऐसे में मुझे पता नहीं। अब मंदिर में कोई नहीं है, अब सिर्फ हम हैं और आप लोग हैं इस कैमरे के थ्रू, तो चमत्कार की असलियत अब देखें। अब मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन एक बात और अजीब थी, पूजा बंद होते ही खप्पर से धुआं निकलना भी बंद हो गया। गर्भगृह में पुजारी कुछ लोगों के साथ थे, अभी आरती नहीं हुई थी। फिर हमने खप्पर के पास ही आसन जमा लिया। मिट्टी के एक बर्तन में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, इसका मुझे कतई अंदाजा था नहीं, लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि इस खप्पर से धुआं निकला, अपने आप निकला, जैसा कि सबने बताया। लेकिन उस वक्त कई सारे वेरिएबल्स यहाँ पर थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे, मेरी नज़र नहीं थी खप्पर पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब पहली चीज़ तो ये है कि मैं इस खप्पर को चेक करके देखना चाहता हूँ कि इसकी राख में तो कहीं कुछ डाला नहीं गया। मैं इसकी पूरी राख निकालूंगा आपके सामने, ये देखिए। अब ये बिल्कुल खाली है, मतलब कुछ भी अब इसमें मौजूद नहीं है, सारी राख मैंने इसकी निकाल ली है और ये सिर्फ राख ही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जलने वाली हो, मतलब कोई कोयला दिखाई दे मुझे या कुछ भी इस तरह की दिखाई दे, ये सब जली हुई राख है। ठीक है भाई, तो अब राख भी मैंने निकाल ली। अब वहाँ पर मंदिर में अंदर पूजा शुरू हो गई है, राख मैं वापस खप्पर में डाल रहा हूँ, अभी नहीं मैं राख खप्पर में डाल रहा हूँ, और खप्पर में डालने के बाद अब इसको मैंने पूरा उसी तरह से कर दिया जैसा ये था, ये देख लीजिए पूरा उसी तरह से है जैसा ये था। अब इंतज़ार करूँगा, यहाँ से ये एक कैमरा जो सामने है और मैं, हम दो लोग यहीं पर रहेंगे इस खप्पर के पास ही, और ये जो मेरा गोप्रो कैमरा है, आप जाइए वहाँ पर जहाँ पूजा हो रही है और आप वहीं रहिए कंटिन्यूसली। तो अब दोनों जगह मौजूद है, एक जगह जहाँ पर पूजा हो रही है अंदर, वहाँ पर गोप्रो कैमरा मौजूद है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और देखते रहेंगे पूरे वक्त कि इस खप्पर में से अब धुआं निकलता है या नहीं। मान्यता के मुताबिक गांव वालों ने विधिवत पूजा की थी, तभी खप्पर से धुआं निकला था। आरती अब हो रही है, दावे के मुताबिक चमत्कार इसके बाद भी होता है। इधर आरती हो रही थी, उधर हमारी निगाह लगातार खप्पर पर थी। आरती के हर मंत्र और घंटी के साथ हमारी टीम की निगाह खप्पर पर गहराती जा रही थी। हम कहीं नहीं गए, बस वहीं बैठे रहे, और 5 मिनट बाद खप्पर से धुआं निकलने लगा। देखिए, करीबन पिछले 5 मिनट से मैं लगातार इस खप्पर को ही देख रहा था, अंदर पूजा चल रही थी और अभी इसके अंदर से धुआं धीमे धीमे उठना शुरू हो गया। इधर लाओ कैमरा नीचे, पता नहीं क्योंकि वाइट धुआं है आपको कितना दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे धुआं अलग साफ नज़र आ रहा है कि इस खप्पर में से धुआं निकल रहा है। अद्भुत, खप्पर एक बार फिर सुलग उठा था, कोई ज्वाला तो नहीं दिखी लेकिन धुएं का निकलना जारी था। एक बार मन में आया कि इसकी राख को पलट कर देखें, लेकिन अफसोस हम ऐसा नहीं कर सकते थे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं निकाल के देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या है, लेकिन गांव वालों की मान्यता है कि जब देवी माँ खप्पर में आ जाती हैं, क्योंकि वो धुआं जो है वो खप्पर से ही आ रहा है, तो देवी माँ जब खप्पर में आ जाती हैं तो उस वक्त आप इस राख को नहीं निकाल सकते, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। अभी मुझे यहाँ अलाउ ही कर दिया, वरना खप्पर के आसपास कोई रहता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि खप्पर से धुआं निकल रहा है। ये अपने आप में सरप्राइजिंग चीज है। धुएं ने हमें उलझा कर रख दिया था, अभी दिमाग ही लगा रहे थे कि तभी खप्पर में कुछ नजर आया। इस खप्पर को जब मैंने गौर से देखा तो एक चीज मैंने नोट की, वो ये कि यहां पर एक पॉइंट है जहां से धुआं निकल रहा है,
लेकिन आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ब्लैक भी हो गया है, लेकिन मैं अपनी उंगली बहुत आसानी से यहाँ पे रख पा रहा हूँ, कोई गर्मी मुझे महसूस नहीं हो रही, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अंदर कुछ जल रहा हो। ये बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है जाहिर बात है कि वहाँ पर कोई ना कोई गर्म चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी गर्म चीज़ मुझे महसूस नहीं हो रही है। राख थी जब हमने शुरुआत में देखा था तो सिर्फ राख था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक स्पॉट सा बन गया है जिसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब कोई ना कोई चीज़ है अंदर जो जल रही है। क्या है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है कि मैं इस राख की केमिकल कॉम्पोजिशन जाके देख सकूं। अंगारे सुलग रहे होते तो मिट्टी का ये खप्पर गर्म होता, लेकिन हमारी टीम ने इसे लगातार पकड़ रखा था, यानी ये गर्म नहीं था, फिर भी धुआं निकल रहा था। अभी ये जो हो रहा है ये वाकई में इतनी हैरान कर देने वाली चीज़ है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। राख का केमिकल कॉम्पोजिशन आपको पता है, राख जल नहीं सकती, उसके अंदर कुछ नहीं रहता, जलने के बाद जो बचता है वो राख होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता जो जल सके। लेकिन मेरे सामने यहाँ पर मैं पूरे वक्त मौजूद रहा, मेरे सामने ये खप्पर रखा रहा और मेरे सामने ही इसमें से ये धुआं निकलने लगा। अब मैं देख नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि मैं इसके कॉम्पोजिशन को किस तरह से समझूं, क्योंकि मैं अगर राख के अंदर जैसे हाथ डालने को मुझे मना किया था, लेकिन उसके बावजूद मैं डाल के और इस राख को आगे पीछे भी कर दे रहा हूँ, तब भी धुआं कंटिन्यूसली निकले चला आ रहा है। तो मेरी समझ से परे है, मुझे वाकई नहीं पता कि अब मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ। हमने हर कवायद की, मंदिर में आते ही खप्पर चेक किया, फिर भी पूरे गांव वालों के सामने धुआं निकला, फिर पूरा मंदिर खाली करा दिया, खप्पर से राख को निकाल कर भी देखा, फिर भी धुआं निकला। तर्कों पर भरोसा करने वालों के पास हो सकता है कोई जवाब हो, लेकिन हमारी टीम के सामने जो दो दो बार खप्पर से धुआं निकला, उसके बारे में क्या कहा जाएगा? विज्ञान का कोई अनजान सिद्धांत या फिर इंसानी दिमाग की पहुंच से दूर एक अनसुलझी पहेली?